Jai Hind. Anti-Corruption Trust of India General Secretary PS Bagoyati, Mr. Shubhin Mondal. আমরা স্যার আব্দুল কালামের কথা মতন আমরা দেশকে করাপশন মুক্ত করবার চেষ্টা করছি। আমরা আজকে প্রোগ্রামটা রেখেছি 9 নভেম্বর আমাদের সংবিধান ডে, সেই সংবিধান মাহিনে মাস বলে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা রেখেছি। রেখে আমরা কিছু মানুষের কাছে, যারা বৃদ্ধ মানুষ, যাদের ঠিক মতন আইনের ব্যবস্থা নিতে পারছে না, তাদেরকে আমরা যাতে আইন ব্যবস্থাটা ঠিক মতন দিতে পারি, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রকল্প। আমরা নেক্সট দিন যাতে কিছু টাকা পাকা ইয়া ফিস যা দেন না, এর জন্যে কোনো ফিস লাগে না। আমরা আমাদের সংস্থা সবাই মিলে এই ব্যাপারটার, সংবিধানের যে আইনের যে ব্যবস্থা, আইনের জন্য অনেকে অনেক রকমভাবে পারে না কিছু করতে, তার জন্য আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো বিনামূল্যে, কোনো পয়সা ব্যাপার নেই। আমরা আমাদের মতো করে তাদেরকে হেল্প করব। আজকে আপনি এখানে যেটা মধ্যম গ্রামে অঞ্চলে যে বার্তা দিচ্ছেন, লোকটাকে যে মেসেজ দিচ্ছেন, কী দেবো যে যাতে প্রত্যেকটা মানুষ করাপশন মুক্ত করতে পারি? আমরা যেমন এগিয়ে এসেছি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের সাথে যেন এগিয়ে আসে, যাতে করাপশনটা মুক্ত করতে পারে। প্রত্যেকটা পাড়ায় একজন করে যদি আমাদের সদস্য থাকে, সেই একজন সদস্য প্রত্যেকটা পাড়া যদি এগিয়ে নেয়, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে পুরো দেশটাকেই করাপশন মুক্ত করতে পারি। मेरा नाम है शीला मिश्रा, मैं एक समाजसेवी हूँ और मैं बहुत दिनों से सामाजिक सेवा कर रही हूँ। पिछड़े गरीब लोगों को मैं न्याय दिलाने में लगी रहती हूँ, चाहे वो प्रशासन द्वारा प्रताड़ित हो, चाहे किसी भी हालत में हो, विधवाओं के लिए यही सब मेरा काम है। आज मैं एंटी करप्शन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम रखे कि जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम रखे कि आईनी कैसे उन लोगों को जिस तरह से कानून मिले, समझ भाव से मिले, वो लोग डरे नहीं, ऐसा प्रोग्राम रखे हैं। हम इसके बाद यहाँ प्रोग्राम के बाद आदिवासी इलाकों में जाएंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से प्रताड़ित होते हैं, किसके किसके जरिए प्रताड़ित होते हैं, उन लोगों के मुँह से सुनेंगे। सुनने के बाद अगर उन लोगों का कोई कंप्लेन हमारे पास आएगा तो उसको लेकर के मेरा काम है समाज का सेवा करना। समाज में पिछड़े हुए लोग, जनजाति, सबकी जाति, उत्तर जाति के विरुद्ध अगर कोई तरह का उलोका होता है तो इसको लेकर के हम प्रधान से लेकर वीडियो की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जिस इलाका को लेकर काम कर रही हूँ उस इलाका में रास्ता नहीं था, उसको फातिमा कानल बोल के रखा गया, तो वहाँ रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं था। रास्ता को लेकर मैं डीएम से लेकर राज्यपाल तक, एसडीओ तक करने के बाद 2015 में मैं एप्लीकेशन दी, वो जो है कि 2017 तक हमको रास्ता मिल गया। 5 रास्ता के लिए बोली थी, 5 रास्ता मिल गया। अब मेरा दूसरा लड़ाई ये है कि जो छोटा छोटा कस्बा है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, पानी जमा होता है, हो सकता है वहाँ डेंगू फैल सकता है। इसके लिए मैं प्रधान को वीडियो कॉपी देती हूँ, सजेशन देती हूँ कि आप लोग जो है कि इस तरह से पानी निकासी का व्यवस्था करिए, छोटा छोटा जो रास्ता है उस रास्ता को बनाइए। आप उधर जाके देख सकते हैं जो वहाँ रास्ता एकदम नहीं है, पानी गड्ढा खास खोद कर पानी जमा करता है, वो पानी में मच्छर आते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारी प्रधान जो है बिलकम दादुरी की कोई ख्याल नहीं करती। वीडियो को ही बोला गया, इसका कोई नहीं मैंने समझ पाया, क्या उन लोगों के पास पैसा नहीं है? पैसा तो फिलहाल का पैसा है, वो तो कर नहीं सकती, क्योंकि प्रधान के आवता में पड़ता है ये छोटा छोटा रास्ता, गली का रास्ता भी गया तक पड़ता है। तो अगर ये अगर हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचे तो वो जो है कि उन लोगों का सुरक्षा के लिए रास्ता और जल निकासी का व्यवस्था किया जाए, ताकि जल निकासी सही हो, छोटा छोटा ड्रेन बनाया जाए, क्योंकि छोटा नाला होने पर बड़ा नाला को पानी मिश्रित हो जाता है, वहाँ मच्छर न जमे। अब मच्छर जमने से आप जानते हैं कि डेंगू फैल रहा है, तो इलाका में डेंगू वर्जित हो, इसके लिए मेरा दूसरा अभियान रहेगा कि इलाका में डेंगू न फैले। इसके लिए प्रधान को चाहिए कि जो सफाई के लिए जो हो, तेल का छिड़काव या फिर कोई तरह का पाउडर हो उसका छिड़काव, ये सब हमारे नज़र में नहीं आता है कि कब वहाँ तेल छिड़कता है, कब वहाँ क्या होता है।
तो प्रधान जी को यही बोलेंगे, मैडम को जब आप 5 साल काम करने के बाद चिराई है तो आप जो है हमारा काम को इस तरह से बदल कर रखा। मिशन विशन 2020 का हमारा जो पैगाम है मिशन हर गलियों में अवलस कर रही हूँ। और ये महीना जो है कानून का महीना है, संविधान का महीना है, इसलिए इस महीना में मैं लीगल अवेयरनेस के लिए जगह जगह